लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक किए थे मैं आपको कुछ डेफिनेशन बताया था राइट सो वो डेफिनेशन क्या क्या थे द फर्स्ट वन वॉज दिलूड है ना वॉज दीकलीट्यूड तो मैंने आप लोगों को बताया था पीक एम्पलीट्यूड बताया था डिट फ्रीक्वेंसी ठीक है देन विट फेज एंड लास्ट वॉज द वेब लेंथ

टाइम डोमेन में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सो सपोज वी हैव अ सिग्नल उसका जो एम्पलीट्यूड है या बोलेंगे पीक एम्पलीट्यूड जो है फाइव वोल्ट है ठीक है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सपोज सिक्स हर्ड है ठीक है तो वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस सिग्नल ये सिग्नल को रिप्रेजेंट करना है हमको टाइम डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ठीक है सो दिस डोमेन ये जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है ये टाइम डोमेन दिया हुआ है तो टाइम में क्या किया हमने यहाँ पर हमने क्योंकि फ्रीक्वेंसी है ना तो हम क्या करेंगे छे वेव बनाएंगे दिस इज़ वन और ये हाइट को हमने यहाँ पर दिया ये फाइव की हाइट रखा किया कि दिस वाइट. हमने स्केल किया सो दिस इज द टाइम पीरियड ये जो टाइम पीरियड में रेड में बना ये जो टाइम स्केल तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान में रखो एक्स एक्सिस इज द टाइम स्केल एक्स एक्सिस टाइम बताता है और वाई एक्सिस एम्पलीट्यूड बताता है तो हमने एज्यूम किया कि ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक ये यह जो टाइम है ये वन सेकेंड का है तो इसमें हमने छ वेव बना दिया और हर वेव का जो पीक है वो फाइव है तो ये टाइम डोमेन में बना दिया नाउ दिस सेम सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन बाय यूजिंग दिस डायग्राम तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड है एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है देखो यहाँ पे टाइम था ना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक स्ट्रेट लाइन करेंगे सिक्स पर देखो है ना one, two, three, four, ऐसा one से लेके आगे बढ़ता रहेगा जैसे आपने कभी ग्राफ ड्रॉ किया होगा लोअर क्लास में तो हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ पर उसके स्केल लिखते हैं तो यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि ये यहाँ पर फाइव की है ठीक है इसका फाइव है तो फाइव हो गया तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है ठीक है। आउट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन कैन सी मैंने पे दोनों representation बनाया signal का। ज़्यादा आसान है बनाना? Representation कौन सा आसान है? है। और और एक एक देखते देखते हैं और एक diagram देखते हैं। हम लोग। देखो ये। ये दूसरा हमारे पास है. अब दूसरे डायग्राम में क्या है? हम, हमको एक साथ तीन वेव बताना ती, तीन सिग्नल बताना है सिग्नल वन जो है ठीक है सिग्नल नंबर वन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जीरो हर्ड्स है और इसका एम्पलीट्यूड फिफ्टीन वोल्ट है सिग्नल नंबर टू जो दिया है हमको इसकी जो फ्रीक्वेंसी है टेन हर्ड्स है सॉरी एट सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी एट हर्ड है और एम्पलीट्यूड जो है वो टेन वोल्ट है सिग्नल नंबर थ्री जो है हमारे पास उसकी जो फ्रीक्वेंसी सिक्सटीन हर्ड्स है और उसका एम्पलीट्यूड फाइव वोल्ट है ठीक है तो देखो मैं ना इसको अलग अलग कलर से बना देता हूँ यहाँ पर तो आपको समझ में आ जाएगा ये पहला सिग्नल जो है ब्लैक में बना, ब्लैक में में बना बना ऊपर हुआ है है ठीक तो ये 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 पहला सिग्नल है 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 हमारे पास ठीक ठीक देखो स्ट्रेट लाइन ना तो जो सिग्नल स्ट्रेट लाइन से इंडिकेट होता है मतलब वो डीसी वो चेंज ही नहीं हो रहा है ना पंद्रह वोल्ट ही है वो पंद्रह वोल्ट ही है तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि डीसी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी जीरो होती है क्योंकि वो चेंज ही नहीं होता है ठीक है अब ये दूसरा सिग्नल जो हमारे पास है वो आठ हर्ट्स का है और दस वोल्ट का है आठ हर्ट्स का मतलब क्या है कि हमको इतने टाइम पीरियड में हमको आठ वेव बनाना पड़ेगा तो ये वन वेव ठीक है ये टू ये थ्री ऐसा करते करते यहाँ पर आठ वेव पूरे हो गए पूरे मिला के ठीक है ऐसा करके आठ वेव हो गए तो ये सिग्नल दूसरा वाला है ठीक है मगर इसकी हाइट कितनी है दस की है क्योंकि दस वोल्ट है है ना दस वोल्ट इसकी हाइट दस है तीसरा जो सिग्नल हमारे पास है वो सोलह हर्ट्स का है और उसकी हाइट जो है पाँच वोल्ट की है तो देखो ये मैं यहाँ पर ये ग्रीन से बनाता हूँ ये देखो ये ठीक है देखो ये ऐसा करके सोलह वेव बनेगी सोलह वेव यहाँ तक ठीक है और इसकी हाइट होगी पाँच अब ये सिग्नल को हमने यहाँ तो टाइम डोमेन में इसको बना दिया अब यही को इसी को फ्रीक्वेंसी डोमेन में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पर एम्पलीट्यूड है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ठीक है तो जीरो से लेके यहाँ पे आगे बढ़ता रहेगा तो पहला सिग्नल हमारा जीरो हर्ट्स का है और पंद्रह वोल्ट है तो जीरो पे पंद्रह हाइट का आगे रहेगा फिर दूसरा क्या है आठ हर्ट्स तो आठ हर्ट्स के लिए तो पे एक लाइन करना पड़ेगा हमको जिसकी हाइट की रहेगी और तीसरा जो है सोलह हर्ट्स का है और इसकी हाइट जो है पांच की है ठीक है तो आ, अब मेरा सवाल आप लोगों से यह है कि कौन सा आसान है रिप्रेजेंट करना टाइम डोमेन में आसानी है या फ्रीक्वेंसी डोमेन में आसानी सिग्नल को रिप्रेजेंट करना आपको मैं ये ये ड्रॉ करना आसान है कि ये डायग्राम ड्रॉ करना आसान है ये ये बताऊँ मुझे फ्रीक्वेंसी डोमेन अच्छा है ना अभी आप सोच हाँ, सकते हो डोमेन अभी टाइम डोमेन पागल मैं यहाँ पे अच्छा चार पांच वेव होती है आपको दस वेव बना दस वेव बनानी ठीक है ना तो यहाँ पे ये दस तो पागल हो जाएंगे कैसे बनाएंगे मगर यहाँ पर आसान है आप दस लाइन से बनाना है आपको ऐसे अलग अलग हाइट की ऐसा बनाना है आसान है ना? तो खैर हम ये देखते है ये दो तरह से हम सिग्नल को ड्रॉ कर सकते हैं या तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में या तो टाइम डोमेन में ड्रॉ कर सकते हैं अंडरस्टूड एवरीवन ये समझ में आया आप लोगों को ओके ओके वेरी गुड नाउ नाउ नेक्स्ट तो हम जो भी डेटा सेंड करते हैं जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ठीक है ना तो ये एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल नहीं है जो हम लोग वॉइस ट्रांसमिट करते ना जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेवलेंथ जो है ना जो हम देख सकते हैं है ना विजिबल कौन सी कहा से कहां तक है फोर थाउजेंड हर्ट से, लेक, आ, 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 से लेके सेवन थाउजेंड ना ये हम ये ये वो फ्री, ये, ये जो हम देख सकते हैं ठीक है इसी तरह से हमारी सुनने की भी जो है कैपेबिलिटी है है ना जो हम लोग सुन सकते हैं वो जो फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी भी लिखता हूँ उसको ये है ट्वेंटी हर्ट से लेके ट्वेंटी किलो हर्ड्स ठीक है ये ट्वेंटी से ट्वेंटी किलो हर्ड्स ये जो फ्रीक्वेंसीज है ठीक है ना ये ये फ्रीक्वेंसी हम सुन सकते हैं ठीक है ना इसके ऊपर जो है ये अल्ट्रासोनिक होती है और इसके नीचे इंफ्रासोनिक होती है हम लोग जो बात करते हैं जो सुन सकते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी के अंदर कर सकते हैं इससे कम नहीं सुन सकते इससे ज्यादा नहीं सुन सकते हम लोग ठीक है तो हमारा हम जो बात करते हैं ना हम जो भी बात करते हैं उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हम सुन सकते हैं ठीक है तो जो भी सिग्नल होता है ना वो एक सिंगल वेव का सिंगल साइन वेव का नहीं होता है ना अभी जैसे मैं ड्रॉ करूं तो हो सकता है कि ये वेव की फ्रीक्वेंसी हंड्रेड हर्ट्ज हो मगर हम जो बात करते हैं जो भी सिग्नल सेंड करते हैं वो उसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती है ठीक है वो आपने सुना होगा लो क्लास में हो ना वो सारे गाँव वाले लोग लो जो, जो लोग सुर बनाते हैं मतलब जो म्यूजिक कंपोज करते हैं ना म्यूजिक कंपोज करते हैं तो वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है एक एक फ्रीक्वेंसी नहीं होती है है ना तो वो लोग ये पूरा जो सुर बनाते हैं जो भी मतलब म्यूजिक कंपोज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं एक फ्रीक्वेंसी अभी मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स एमिट हो रहे हैं जैसे हम बोलते हैं ए बी सी डी तो ये मे बी लाइक इसका टोन भी अलग होगा इसका पिच अलग होगा इसके मे बी आल्सो फ्रिक्वेंसी के अलग अलग होगी ठीक है तो जो सिग्नल होता है ना एक्चुअल सिग्नल वो सिंगल एक एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होती है उसके अंदर बहुत सारे जो है साइन वेव मिले होते हैं बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स मिले होते हैं ठीक है अब फोर ईयर जो है ना एक फोर आप आ, कभी मैथ में कभी स्टडी करोगे फोर ईयर एनालिसिस करके एक थियरी है फोर ईयरिस आप लोगों को मैथ्स में तो नहीं है खैर तो फोरियर उसने ये बताया कि कोई भी कंपोजिट कंपोजिट सिग्नल किसको बोलते हैं? एक होता है सिंपल सिग्नल उसमें एक ही साइन वेव होती है और एक वो सिग्नल होता है जिसे बहुत सारे साइन वेव मिक्स होती है उसको बोलते हैं कंपोजिट सिग्नल ठीक है signal, एक होता है सिंगल सिग्नल एक ही वेव है पर्टिकुलर सिग्नल में एक से ज्यादा वेव है जैसे आपको देखो यहाँ पर बताया ना मैंने ये जो हमारे पास सपोज ये, ये दो डायग्राम है ये हमारे पास ये ना ऊपर जो डायग्राम है ये सिंपल वेव है मगर ये अगर तीनों को मिला देंगे एक साथ तो ये कंपोजिट सिग्नल बन जाएगा जिसमें देखो साइन के तीन मतलब हमारे पास तीन कंपोनेंट है वेव के ठीक है तो उसी तरह से हमारे पास जो है जो हम सिग्नल को एनालाइज करेंगे जो भी सिग्नल को एनालाइज करेंगे तो वो सिंगल कंपोनेंट का नहीं रहेगा बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सचर रहेगा ठीक है अच्छा ये जो कंपोजिट सिग्नल वो भी दो तरह के होते हैं ठीक है ना एक होता है पीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल एक वो सिग्नल होता है जो कम्पोजिट एम अगर पीरियोडिक है थेके? उसको हम जो है अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं और वो कंपोजिट सिग्नल जो नॉन पीरियोडिक होता है उसको हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में हमको उसको डिवाइड कर सकते हैं देखो इसका एग्जाम डायग्राम देखेंगे आप देखो ये डायग्राम हमारे पास है नाउ एन uh, ये हमारे पास देखो ये सिग्नल है ठीक है न सी दिस सिग्नल सिग्नल ये, ये सिग्नल जो है ना ये हमको एक सिग्नल दिया हुआ है थेके? ये सिंपल साइन वेव नहीं ये कैसा हो रहा, ये जा रहा है ये ऊपर ऐसा ऐसा हो रहा है नीचे जा रहा है ऐसा ऐसा, ऐसा हो रहा है ये ऊपर जा रहा है ऐसा मतलब ये ऐसा चल रहा है सिग्नल सो दिस सिंपल साइन वेव डो यू थिंक दिसं साइन वेव हेलो ये सिंपल साइन वेव नहीं है ना ये जो है ना ये सिग्नल कम्पोजिट है कम्पोजिट का मतलब क्या है कि अगर आप इसको इसको अगर आप ब्रेकअप करोगे इसको ब्रेक करेंगे तो ये हमको तीन सिग्नल मिलेंगे यहाँ पर तीन सिग्नल में क्या है एक तो ये ये सिग्नल मिलेगा ठीक है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ होगी ठीक है दूसरा सिग्नल जो हमको वही फ्रीक्वेंसी का तीन टाइम्स मल्टीपल ये मिलेगा ये ये सिग्नल मिलेगा ठीक है और एक सिग्नल हमको नाइन एफ वाला मिलेगा जो उसका और तीन गुना ज्यादा दूसरे वाले का तीन गुना ज्यादा ये तीनों को जब मिक्सअप करोगे तो ये हमको मिलेगा गेटिंग माई पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं हेलो क्लास आर यू गेटिंग समझे ना यानी क्या है कि ये जो हमारे पास सिग्नल है ये ये सिंपल ये कंपोजिट सिग्नल है इसको कंपोजिट क्यों बोलते हैं क्योंकि ये तीन सिग्नल को मिला के सिग्नल मिला है डिश like बनती है, है ना जैसे हम फालूदा फालूदा ना फालूदा खा पीते फालूदा तो फालूदा में क्या क्या डालते फालूदा में वी हैव आइसक्रीम है ना वी हैव रू है ना और भी इसके अलावा दूसरे सब कंपोनेंट्स मतलब उसमें एड होता है फालूदा बनता है ठीक है ना तो अगर फालूदे को हम डिस्क्रीट कंपोनेंट्स में अगर बाहर निकालेंगे तो उसमें मिल्क रहेगा इसमें आइसक्रीम्स रहेगी उसमें आम का टमका जो भी सब चीजें कंपोनेंट रहेगा तो दैट दैट इज बिकम्स अ फालूदा ठीक है ना आर यू गेटिंग माय पॉइंट क्लास तो तो इसी तरह से ये जो है ना हमारे पास ये जो सिग्नल है ये कंपोजिट है ये कंपोजिट क्यों है क्योंकि ये सिग्नल जो है ये तीन सिग्नल का बना तीनों को मिक्स करेंगे तो ये हमको सिग्नल मिलेगा तो ये है ये ये, ये फिलहाल पीरियोडिक सिग्नल है ये जो सिग्नल है ना ये पीरियोडिक है कंपोजिट मगर पीरियोडिक है ठीक है इसलिए इसकी हमने तीन अलग अलग कंपोनेंट बना दी F, 3F, 9F. एफ नाइन एफ सपोज F as 100 हर्ट तो ये हो जाएगा 300 हंड्रेड हर्ट्स और लास्ट वाला हो जाएगा 900 हंड्रेड हर्ट्स ओके देन दिस वॉज रिगार्डिंग दीरियोडिक कंपोजिट सिग्नल ओके okay? इसका हम देखो ये ये टाइम डोमेन डायग्राम है और ये इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन डायग्राम है देखो मैं आपको बताया ना टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन तो ये फ्रीक्वेंसी डोमेन डायग्राम है ठीक है तीन वेव बना दिया हमने और ये टाइम डोमेन डायग्राम है ओके okay? नाउ ये हमारे पास एक सिग्नल है ये भी कंपोजिट सिग्नल है सिंपल कंपोजिट है मगर ये पेरियोटिक नहीं है ये ए है ठीक है अगर आप इसको डायग्राम ड्रॉ करके ड्राई करेंगे तो इसका टाइम डोमेन डायग्राम इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ द टाइम डोमेन डायग्राम इतना हो जाएगा हो कि इसके अंदर बहुत सारे दर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स बहुत सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है अभी आप यहां पे समझ सकते हो कि ये डायग्राम में सिर्फ तीन ही फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है ना एफ थ्री एफ और नाइन एफ अब कितना कॉम्प्लेक्स हो गया अभी इसमें बोलू और हजार वेव ऐड करो तो कैन यू ड्रॉ वन थाउजेंड वेव इ

कम प्रेजेंस है मगर है सबका प्रेजेंस सबका है ठीक है ना तो ये जो बता रहा ना ये इसका एम्पलीट्यूड बता रहा है इसका एम्पलीट्यूड ओके गेटिंग दिस डायग्राम समझ में आए दोनों चीज समझ में आए आप लोगों को कंपोजिट सिग्नल क्या होता है यस प्लस नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द बैंडविथ अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंडविथ बैंडविथ होता क्या है ठीक है उसका क्या सिग्निफिकेंस है तो पहले तो ये देखो कि बैंडवेट क्या होता है सो द बैंडवेट ऑफ अ कंपोजिट सिग्नल इज द डिफरेंस बिटवीन द द एंड लोएस्ट इन दैट सिग्नल ठीक है तो अगर हमारे पास कोई कंपोजिट सिग्नल है तो वो कंपोजिट सिग्नल बहुत सारे मतलब फ्रीक्वेंसी हो सकती है है ना तो जो सबसे शुरुआत की फ्रीक्वेंसी सबसे पहली फ्रीक्वेंसी और सबसे लास्ट फ्रीक्वेंसी तो अगर लास्ट को छोटे से सब करेंगे तो हमको बैंडविड्थ मिल जाएगा

फाइव हंड्रेड से लेके नाइन तक से फ्रीक्वेंसी हमारे पास है इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगा तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है एक मिनट पहले इसका वो लिखता हूँ फॉर्मूला लिख देता हूँ तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास यस नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड है तो हमारे पास और सबसे लोवेस्ट कौन सी है हंड्रेड है ठीक है तो क्या करेंगे बैंडविट जो हो जाएगा बैंडविट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बैंडविट इज हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी तो नाइन माइनस हंड्रेड इज एट हंड्रेड तो एट हंड्रेड हर्ट जो है ना एट हंड्रेड इसकी बैंडविट हो जाएगी एट हंड्रेड हर्ट ठीक है समझे मेरी बात कैसे किया मैंने प्रॉब्लम ठीक है नो लेट सी वन मोर यहां पर एक और एक और प्रॉब्लम दिया है अब पीरियोडिक सिग्नल हैज अ ऑफ हर्ट्ज़

ट्वेंटी ठीक है इज इक्वल टू हाई फ्रीक्वेंसी माइनस लो फ्रीक्वेंसी ठीक है तो सब करने की फ्रीक्वेंसी आएगा माइनस माइनस कर लो फ्रीक्वेंसी फोर्टी हर्ड्स है ना फोर्टी हर्ड्स आ जाएगा तो दिस इज आंसर ठीक है समझा है तो बैंडविट भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किसी भी चैनल का जितनी ज्यादा बैंडविट होगी उतनी सिग्नल की वो चैनल की कैपेसिटी ज्यादा रहेगी

एक होता है है लेवल लेवल टू, लेवल ठीक तो अगर लेवल रहेगा तो वो जीरो को रिप्रेजेंट करता है लेवल टू रहेगा तो वो वन को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो इस तरह से हम इस तरह से हम क्या अलग अलग लेवल्स जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है ना यानी सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है ये वन और ये टू ठीक है ये समझ में आए लेवल वन टू समझ में आए आप लोगों को ये कंसेप्ट Yes, अब यहाँ पे दो ही लेवल है दो लेवल में क्या होगा यहाँ पर कि एक लेवल एक बिट को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है वन वन लेवल कैन ले बिट एट ए टाइम नाउ वी हैव अनदर टाइप टाइप हियर ये दूसरा हमारे पास है यहाँ पर क्या है कि हमारे पास चार लेवल है वन टू थ्री फोर और हर लेवल जो है दो बिट को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर हर लेवल एक बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हर लेवल जो है दो बिट को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है अब अगर मान लो लेवल ये देखो ये एक लेवल ये लेवल थ्री है ये लेवल टू है और ये लेवल वन है ठीक है तो अगर हमको लेवल वन रहेगा तो वो जीरो करेगा लेवल थ्री वन जीरो को रिप्रेजेंट करेगा और लेवल फोर वन वन को रिप्रेजेंट करेगा यानी इसके अंदर फायदा ये रहेगा कि एक लेवल और दो बिट्स यहाँ पर एक लेवल और एक बिट अरे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं

है 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 ना Bits per second. हम लोग ना, इंटरनेट की देखते हैं 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 बोलते है, MBPS, KBPS, GBPS. तो तो पर पर जो है, BPS का मतलब है, Bits per second. एक में कितने बिट्स जा सकते तो क्योंकि हमारे पास दो ही लेवल है ठीक है ना और हमारे पास एक सेकंड में आठ सिग्नल जा रहे हैं और एक सिग्नल एक ही बिट कैरी करेगा तो इसकी जो स्पीड रहेगी एट बीपीएस की स्पीड रहेगी ठीक है नाउ कम टू दिस पॉइंट यहाँ पर हमारे पास चार लेवल है हर लेवल दो बिट कैरी कर रहा है हर लेवल ठीक है और हमारे पास यहाँ पे आठ सिग्नल ही हैं मगर यहाँ पर हर सिग्नल दो बिट कैरी कर रहा है जिसके से बिट रेट डबल हो गया है तो बिट डबल का मतलब क्या है कि वो 16 बीपीएस हो गया 16 बिट्स पर सेकंड हो गया है अरे गेटिंग माय पॉइंट तो दोनों में से कौन सा अच्छा है पहला वाला कि दूसरा वाला किसकी स्पीड ज्यादा रहेगी दूसरे वाले की ज्यादा रहेगी क्योंकि वो सोलह बिट एक सेकंड में कैरी कर रहा है तो इसके बाद तो ये कि जितने लेवल ज्यादा रहेंगे ना जितने लेवल ज्यादा रहेंगे उतना मतलब तो हमारे पास सिग्नल की स्पीड ज्यादा रहेगी यहाँ पे देखो दो ही लेवल है हर लेवल एक बेट कैरी कर रहा है यहाँ पर हमारे पास चार लेवल है हर लेवल दो, दो बेट कैरी कर रहा है ठीक है अगर हम यहाँ पर आठ लेवल करेंगे ना आठ लेवल तो तीन तीन बेट कैरी करेंगे और स्पीड सिस्टम सिस्टम की स्पीड मतलब वो और बढ़ जाएगी ठीक है ना हाउ द कैलकुलेशन इज डन अब देखो हम यहाँ पे आ, कुछ कैलकुलेशन में आपको बताता हूँ तो लेट एस सी द फर्स्ट प्रॉब्लम डिजिटल सिग्नल हैज एट लेवल्स ठीक है वो सिग्नल के पास आठ लेवल है आठ लेवल तो हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड पर लेवल कितने बिट्स जाएंगे एक लेवल में बता सकता है कोई मुझे हमारे पास आठ लेवल हाँ हमारे पास है ना यहाँ पे देखो यहाँ पे ध्यान से देखो मैं वॉपिस बताता हूँ यहाँ पर हमारे पास दो लेवल थे दो लेवल में क्या हो रहा था हमारे पास कि एक ही बिट जा रही थी एक लेवल पर एक ही बिट जा रही थी यहाँ पे हमने दो से चार लेवल कर दिया तो नंबर ऑफ फिट्स तू जा रही है ठीक है अभी यहाँ पर हमको ये पूछा गया है कि अगर आठ लेवल रहेंगे ठीक है मैं ऐसे बनाता हूँ आठ लेवल हमारे पास है तो हर लेवल कितनी बिट कैरी करेगा तीन वेरी गुड तीन बिट बिकॉज ये हमको देखना है कि टू वार्ड नंबर इज एट इज तो थ्री तो है ना तो यहाँ पर हम जो है तीन हर लेवल तीन बिट कैरी करेगा तो ये एक दो तीन ये जीरो 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 और वन 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 ठीक है हर लेवल जो है तीन बिट कैरी करेगा और अगर मान लो ये सिग्नल भी अगर आठ बिट्स आ, आ, अगर ये सिग्नल भी आ, मतलब एक सेकेंड में आठ सिग्नल हम भेज सकते हैं तो 24 bps की स्पीड हो जाएगी 24 बिट्स पर सेकंड ठीक है अगर आठ सिग्नल हम एक सेकेंड में भेज सकते हैं तो हर सिग्नल जो है तीन बिट कैरी करेगा ओके अब ये चौथा क्वेश्चन मुझे बताओ इसका जवाब बताओ 4 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग अ डिजिटल सिग्नल चार बिट्स रिप्रेजेंट कर रहे डिजिटल सिग्नल को तो कितने लेवल रहेंगे इसमें चार बिट्स के कितने लेवल बनेंगे चार बिट्स है ठीक है देखो यहाँ पर एक बिट था तो टू रेस टू वन दो लेवल बने यहाँ पर दो बिट था तो टू रेस टू टू चार लेवल बने ठीक है यहाँ पर तीन बिट्स थे तो टू रेस टू थ्री आठ लेवल बने अभी यहाँ पे चार है तो कितना हो गए टू रेस टू फोर सिक्सटीन लेवल बनेंगे जितने बेड ज्यादा रहेंगे उतने लेवल सिग्नल के ज्यादा हो जाएंगे ठीक है तो जितने सिग्नल के लेवल ज्यादा रहेंगे ना उतना अच्छा रहेगा मगर हम ज्यादा बढ़ा नहीं सकते ठीक है खैर

Bits per second, इतने सारे bits एक सेकेंड में करता है हर पेज में एवरेज ट्वेंटी फोर लाइन है और हर लाइन में एटी कैरेक्टर्स है ठीक है तो क्या स्पीड से डाउनलोड चल रहा है ये हमको कैलकुलेट करना डाउनलोड कि कर रहा है तो इसके लिए कैलकुलेशन बहुत सिंपल है इसके लिए क्या कर रहा है वो हंड्रेड पेजेस डाउनलोड कर रहा है ना हंड्रेड पेजेस एक सेकंड में कर रहा है हर पेज में जो है है uh, है तो 24 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर लाइन में कैरेक्टर और हर कैरेक्टर आठ बेट का है ठीक है समझो मेरी बात कैसे मल्टीप्लीकेशन किया हमने एक सेकेंड में हंड्रेड पेजेस डाउनलोड कर रहा है हर पेज में चौबीस लाइन है हर लाइन में 80 कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर 8 बिट का है तो ये सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट दिस नंबर वन

तो बिट लेंथ सॉरी बिट लेंथ देखो बिट लेंथ क्या है uh, ये जो हमने सिग्नल देखा ना यहाँ पर ठीक है अब देखो ये बिट लेंथ यहाँ बताता हूँ मैं आपको बिट लेंथ किसको बोलते हैं अब ये जो है सिग्नल स्टार्ट हुआ कितनी देर तक ये वन बिट तक रहेगा ये इसकी ये इसकी लेंथ है बिट की लेंथ ठीक है ना अब यहाँ पर ये देखो ये इसकी बिट की लेंथ है तो एक बिट का ड्यूरेशन कितना है दैट इज कॉल्ड द बिट लेंथ अब देखो मैं ऐसे दो ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर सपोज मेरे पास एक सिग्नल मैंने ऐसा बनाया ठीक है ये ऐसा बनाया ये ऐसा है ठीक है ये ऐसा स्लैब ठीक है तो ये इसकी बिट की लेंथ मैं ऐसा ऐसा रफली बनाता हूँ मतलब ऐसा तो ये ये वन है ये जीरो ये जीरो ये वन ऐसा ये बिट लेंथ है कभी कभी ऐसा भी होगा कि बिट लेंथ कैन बी मोर देन दिस ठीक है किसी आ, मतलब आ, सोर्स के लिए ये बिट लेंथ लंबी भी हो सकती है आर यू गेटिंग इट देखो ये 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 इसकी बिट लेंथ है ये दिस वन इज मोर एंड दिस वन इज स्मॉल, ठीक है यहाँ पे ये पूरा एक वन है मगर ये वन इसका आधा है ठीक है ना तो बिट लेंथ का मतलब ये है कि वो सिग्नल चाहे हाई या लो रहता है अंडरस्टूड एवरी वन प्लस बिट लेंथ क्या होता है समझ में आप लोग हाँ वेरी गुड सो सो दिस इज द बिट लेंथन ओके okay, ये हो गया नाउ सी डिजिटल सिग्नल जो है ना ये देखो ये ये हमको जो दिया है ना दिस इज अ प्योर डिजिटल ये डिजिटल सिग्नल है ठीक है ये जीरो से वन पर गया फिर वन से फिर ये नीचे जी गया तो यहाँ पे डिस्क्रीट स्टेट है एक स्टेट ये है और एक स्टेट ये है तो अगर हम इसको आ, ये डिजिटल सिग्नल जो है ना ये ये सिंपल सिग्नल नहीं है ये कंपोजिट सिग्नल है क्या मतलब इसका बहुत सारे साइन वेव मिलकर ये हमको मिलता है अगर आप इसको डिकम्पोज करोगे इसको एक इसको हम अलग अलग हिस्से करेंगे तो हमको ये सिग्नल इस तरह से मिलेगा कि इसके एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगी फिर तो इसके जो है ऑड कंपोनेंट्स और ऑड कंपोनेंट्स मिलते रहेंगे ठीक है एफ थ्री एफ फाइव सेवन एफ नाइन एफ एलेवन ये इन्फिनिटी तक जाएगा इन्फिनिटी तक तेरह के पंद्रह एफ मगर सबकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी ऑफकोर्स सबसे जो शार्प कंपोनेंट रहेगा पहला वाला रहेगा एफ उसके बाद थ्री एफ उससे कम फाइव उससे कम सेवन तो ये सब कंपोनेंट्स को जब मिक्सअप करेंगे तो ये हमको ये स्क्वायर वेव मिलता है तो ये ये जो स्क्वायर वेव बोलो या डिजिटल सिग्नल है ये सिंपल वेव नहीं है ये कंपोजिट वेव है ठीक है तो मैंने आपको बताया ना वो फोरियर था ना फोरियर तो फोरियर ने क्या बताया कि कोई भी सिग्नल है ना चाहे वो ये स्क्वायर वेव हो ठीक है या वो ये इसको बोलते ट्राइंगुलर वेव हो या फिर ये सॉ टूथ वेव हो ठीक है ना ये इसका जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये सब के सब साइन वेव से बने हैं, ठीक है थेके? मगर इसमें क्या हुआ है कि ट्राइंगर वेव को बनाने के लिए हमने कुछ और कुछ आइवन कंपोनेंट्स ऐड किए इसको बनाने के लिए कुछ ऐसा अलग अलग किया है तो जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि वी हैव समथिंग कॉल एज लस्सी वी हैव समथिंग समिंग कॉलेस आइसक्रीम है ना और भी uh, जैसे वी हैव क्रीम ठीक है न तो ये सब का बेसिक कंपोनेंट क्या है मिल्क है है ना तो मिल्क से लस्सी बनती है छाछ बनती है आइसक्रीम बनती है क्रीम बनती है बहुत सारे कम्पोनेंट बनते हैं मगर बेसिक कंपोनेंट क्या इसका है उसका मिल्क है दूध रहेगा तो सब बनेगा ना दूध नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा तो वैसी जो साइन वेव है ये बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट है इसके जरिए से हम स्क्वायर वेव बना सकते हैं इसके जरिए से हम ट्राइंगर बना सकते हैं इसके जरिए से हम कोई भी वेव बना सकते हैं मगर फंडामेंटल कंपोनेंट क्या है साइन वेव ठीक है तो अब देखो हमारे पास ये एक साइन, एक सिंपल साइन 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 सिंपल सिंपल वेव वेव है ये सिंपल साइन वेव है है ठीक ये ओके अब हमने क्या किया इसका इसको तीन गुना मल्टीप्लाई करके और एक दूसरा वेव बनाया और दोनों को मिक्सअप कर दिया तो इससे क्या होगा जब दोनों को मिक्सअप करेंगे ना तो ये जो वेव है ये हमको ये आ, इसका जो शेप है ना ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ठीक है ठीक है ये प्योर स्क्वायर वेव नहीं है प्योर नहीं प्योर सिग्नल नहीं है ना इसमें क्या करेंगे और और एक कंपोनेंट ऐड करेंगे तो क्या होगा ये जो है ना ये फ्लैट होना शुरू हो, हो जाएगा तो कैसा मिलेगा हमको ये? ये कम हो जाएगा? यहाँ पे, पे फिर और एक कंपोनेंट ऐड करेंगे तो उसकी और फ्लैटनेस बढ़ती जाएगी यहाँ तक कि जितने ज्यादा कंपोनेंट तुम ऐड करोगे उतना ये जो है ना ये वेव जो है स्क्वायर वेव की तरफ मिलता रहेगा बोलना चाह रहा हूँ मैं प्लस Yes, yes. Yes, है ना तो ये जो स्क्वायर वेव है ये जो हमको डिजिटल सिग्नल है इसके इतने सारे कंपोनेंट्स मिलते हैं ठीक है ना अब इसमें सब नहीं लेंगे ये यहाँ से हम सबको रिजेक्ट कर देवे इतना इतने कंपोनेंट भी लेंगे तो ये अच्छा खासा वेव बन जाएगा ठीक है ना तो इसको लेने के लिए ये चल जाएगा तो ये तो हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल था ये पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल है समटाइम्स वी है ना जो पीरियडिक नहीं है तो ये जो सिग्नल है ये ए प्योरिटी सिग्नल अगर इसको डिकम्पोज करेंगे तो हमको इतने सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे को ये न, ये देखो ना वेव मिल रहा है यहाँ पे कैसा डिस्क्रिक्ट मिल रहा है ना एफ है उसके बाद थ्री एफ है फाइव एफ है सेवन एफ है मगर ये सिग्नल को डिकम्पोज करेंगे तो हमको ये मिलेगा कि कुछ ऐसा मतलब वेव मिलेगा हमको ये ठीक है दिस इज वॉट वी गेट तो डिजिटल सिग्नल जो है ना ये सिंपल सिग्नल नहीं है ठीक है वो एक कंपोजिट सिग्नल है जिसकी हम बोलेंगे लार्ज इट कैन वी कैन से कैन से इनफाइनाइट

बताया था आप Then, composite signal किसको बोलते है? एक तो होता है सिंपल सिग्नल साइन वे विद्पल सिग्नल मगर उसके बहुत सारे कम्पोनेट्स मिक्सअप करेंगे तो जैसे आपने देखा अभी डिजिटल सिग्नल तो डिजिटल सिग्नल जो है कम्पोजिट सिग्नल है ठीक है अच्छा कंपोजिट सिग्नल जो है वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं सॉरी पीरियोडिक भी हो सकते हैं और नॉन पीरियोडिक भी, भी हो सकते हैं ए पीरियोडिक भी हो सकते हैं ठीक है नौ दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द सिग्नल है ना ये पीरियोडिक रहेगा तो इसको भी हम अगर डिकम्पोज करेंगे तो पीरियोडिक मिलेगा और अगर नॉन पीरियोडिक रहेगा तो ये हमको कंटिन्यूस मिलेगा सिग्नल ठीक है और यहाँ पे हमने बैंडविड्थ का डेफिनेशन बताया कि आपको मैंने बताया था ठीक है देन वी डिड दिस डिजिटल सिग्नल सो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग

Uh, मैं स्टॉप करता हूं यहां पर ठीक है नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर मैं आपको बताया था वहां से हम स्टार्ट करेंगे ओके तो एनी डाउट टू एनी वन एनी क्वेश्चन